लॉकडाउन के कारण अजमेर में फंसे जायरीनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। ख्वाजा की दरगाह पर आए जायरीन प्रशासन से घर भेजने की गुहार लगा रहे थे। इसी के चलते सोमवार को ट्रेन से उन्हें घर भेजा गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अजमेर से कल हावड़ा के लिए ट्रेन रवाना हो रही है, उसमें समस्त जायरीन आ रहे हैं जो कई दिन से रुके हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा उनको रिलीफ है। हम लोग सुबह से प्रयास कर रहे हैं, हर एक की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर एक को पानी खाना दे रहे हैं। उसके अलावा उनको व्यवस्थित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोच में उनको बिठाया और समझाया भी जा रहा है, भाई आप आराम से जाओ। और रेलवेज अथॉरिटीज पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। IRCT रास्ते में इनको लंच, एक मील और एक पानी की बोतल भी देगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी ठीक है। और अभी शेड्यूल टाइम 11 बजे, तो उस समय ट्रेन स्टार्ट करने की हम लोग स्थिति में, ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास लोग बैठ गए। जैसे पैसेंजर टोटल उसकी कैपेसिटी है उसको पूरा ही भरेंगे। जैसे चार्ज नहीं लिए गए हैं। इनका जो फंड्स हैं, जो दरगाह कमेटी प्लस जो उन्होंने उन्होंने दिया, दरगाह कमेटी हमने CSR के तहत दरगाह कमेटी ने भी कुछ फंड दिए हैं, कुछ रिजु जिंजनवाला जी ने दिए हैं, तो और भी आगे जैसे आपसे तो ट्रेन चलाएंगे। उसके अलावा कुछ खादी उन्होंने CSR से दिए, इनसे चार्ज नहीं लिया। जो आज ट्रेन जाए